में एक संदिग्ध परिस्थिति में युवक जला था, वो मामला तो पकड़ता जा रहा है, क्या उसमें कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअल में जो कल घटना हुई थी, जिसके बारे में कई बार मेरे स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, ये घटना तूल दिलाने का प्रयास कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। शुरुआती दौर में उसके परिवारजनों द्वारा मनराजपुर गांव के यादवों का नाम बताया गया, यादव शब्द का इस्तेमाल किया गया जो FIR में दर्ज है। इसके बाद उसने सुनील नाम बताया लड़के ने, और लड़के के द्वारा तीन घटनास्थल बताए गए, तीनों घटनास्थल नहीं पाए गए, घटनास्थल चौथी जगह पाया गया, और एक चश्मदीद भी जो पेशे से हाकर का काम करता है, और दिनेश मौर्या उसका नाम है, उस घटना का चश्मदीद था। लगभग 4:30 बजे की घटना थी, मज़ार के अंदर चप्पल निकाल करके व्यवस्थित तरीके से अंदर गया, और अंदर जा करके इसके द्वारा अपने को आग लगाई गई। आग लगाने के बाद जब सड़क पर दौड़ा, उसी समय वो दिनेश मौर्या वहाँ मौजूद था और अखबार लेने के लिए सैयद राजा जा रहा था। उसने इसे पागल समझा, और दिनेश मौर्या ने पूरे घटना की चश्मदीद देते हुए बताया कि उस समय न तो यहाँ कोई मोटरसाइकिल थी, न कोई बाहरी व्यक्ति था, ये लड़का अकेला था। बाद में दोपहर को उसे पता चला कि ये घटना सैयद राजा के इस लड़के के साथ हुई है, और लगभग 12-1 बजे तक ये सामान्य रूप से जो घटना थी वो थी। 12 बजे के बाद कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी माँ को और इसे ये सिखाने का प्रयास किया गया कि इसमें जय श्री राम शब्द जोड़ देने से घटना को बेहतर तरीके से TRP के लिहाज से उठाने में मदद मिल सकती है, तो इस लिहाज से ये घटना को जो है प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में कहता हूँ कि ये बिल्कुल फर्जी कहानी गढ़ी जा रही है जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं। सर, कल शाम को अस्पताल से उसका एक बयान भी वायरल किया गया था, नहीं लगता कि पूरी साजिश इसके पीछे रची जा रही है? निश्चित तौर पर कतिपय लोगों द्वारा एक साजिश रची जा रही है ताकि इस घटना को अतिरंजित करके और नए रूप में प्रस्तुत किया जाए और TRP बढ़ाई जाए, तथा एक सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत किया जाए जो बिल्कुल सत्य से कहीं भी सुसंगत नहीं है, पूरी तरह से असत्य, भ्रामक और निराधार तथ्यों पर आधारित है। क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? अब निश्चित तौर पर हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ सैयद राजा क्षेत्र में जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की कहानी को गढ़ने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ बीट सूचनाएं दर्ज कराई गई हैं, और हम वाच कर रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से झूठे तथ्यों के आधार पर रची गई कोई कहानी है तो उसमें जो आपराधिक मामला बनता है वो कार्रवाई हम करेंगे।